हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसके कंपैरेटिवली रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है, जैसे आपने करा भी ये क्वेश्चंस फटाफट हो रहे थे। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का एक ये सवाल आ गया था, जर्नल एंट्री, हमें जर्नल से नहीं देखना, पूछा क्या है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। कहता है एस लिमिटेड टेकन ओवर आर लिमिटेड, यानी सर एस लिमिटेड है और एक आर लिमिटेड है, ठीक है। एस लिमिटेड ने इसको खरीदा, तो आप पहले ना सबसे पहले तो ये तय कर लें कि ये बायर है, ये सेलर है, ये बिकाऊ कंपनी है और ये खरीदार है। क्या कह रहा है एस लिमिटेड? अच्छा, टेकन ओवर बाय, टेकन ओवर बाय, अरे कहाँ चला गया? अगर अंडू नहीं होता तो क्या होता? ये भाई साहब सेलर है और ये बायर है, ठीक है। दो कंपनी की कहानी। कहता है एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का मतलब सेलर कंपनी, हैज 9% डिबेंचर 100 रुपीज ईच। इसके पास 9% डिबेंचर है 100 रुपीज ईच वाले। फेस वैल्यू जिसका बनता है 22,50,000 रुपीज, 22,50,000। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं नंबर कितने होंगे, टेस्ट कर रहा हूं नॉलेज को। तो 22,50,000 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसके नंबर होंगे 2,200, 22,500। 9% डिबेंचर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय आर लिमिटेड। इसका कहने का मतलब है भैया, इसके डिबेंचर को ये जो बायर है, डिस्चार्ज का मतलब पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कौन करने की कोशिश कर रहा है पेमेंट? आर लिमिटेड बोलता है भाई तेरे डिबेंचर जो भी दिख रहे हैं ना, ये 9% डिबेंचर वगैरह, वो मैं पैसे दूंगा, अभी डिस्चार्ज करूंगा। कहता है इशू सच नंबर ऑफ 15% डिबेंचर। कहता है चिंता मत कर, तेरी कंपनी के डिबेंचर हल्के डिबेंचर है, 9% वाला। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुझे दे दूं 15% वाला डिबेंचर। हल्का डिबेंचर मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो बेकार ही डिबेंचर लगेगा आपको, दो रेट दे तो। तो बोला गया कि मैं तुझे करूंगा इशू सच नंबर, सच नंबर पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, सच नंबर, ठीक है। बोला नंबर नहीं बताएंगे हम आपको कितने देंगे, आपको देंगे 15% डिबेंचर 100 रुपीज ईच, ऑल्सो टू बी मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब भाई मेरा डिबेंचर महंगा जरूर दिख रहा है तेरे को, लेकिन जितने ब्याज की कमाई तेरी पहले हुआ करती थी, उतने ब्याज की कमाई तेरी अब भी रहेगी, बस रेट बदल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल के बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर। अब देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा चाह रहा है, मान लेते हैं 10% आपके पास लोन आपको देना है, 10% डिबेंचर कह दिया, 10% मान लो, सपोज करो डिबेंचर आपके 1,000 रुपए के हैं, ठीक है। अब कितना ब्याज मिलेगा बताओ? 100 रुपए। मैंने बोला कि आपको 20% में डिबेंचर दूंगा और आपका ब्याज 100 रुपए ही होना चाहिए, तो बताओ कितने डिबेंचर खरीदोगे? सवाल समझो, मेरा 10% डिबेंचर पहले से था, आपको ब्याज की कमाई कितनी थी? मैंने कहा मैं आपको 20% डिबेंचर 100 वाले ही दूंगा और आपका ब्याज भी 100 ही रुपए बन जाए, तो ऐसे कितने डिबेंचर खरीदोगे? पांच यानी 500 रुपए का। आप समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं? क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आया? मैंने क्या कहा कि भैया तुम्हें पहले वाले जितना ही ब्याज मिलेगा, तो ऐसे कम डिबेंचर खरीदोगे ना आप? तो आप यानी आपको डिबेंचर कम, यानी वेरी सिंपल, पहले 1,000 रुपए पे आपको ये मिलता था, तो आप 500 रुपए का यानी 20 रुपए वाला खरीदोगे, तो यानी 5 डिबेंचर हो जाएंगे आपके।
यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा और नंबर ऑफ डिबेंचर घटा सेम इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए। तो आपने यहां पे पता है कैसे निकाला, ये समझना आपने। वैसे देखो मैं एग्जांपल वो लेता हूं जो आपको मुझे वानी पता चल जाए, उसी को गणित के रूप में देख लेते हैं। भैया हमारा डिबेंचर कितना होना चाहिए, 100। डिबेंचर कितना होना चाहिए, 100 रुपए। अब 100 और 1000 के चक्कर में फंस मत जाना, इसलिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं। ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 100। और आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट, 100 रुपए जो मिलेगा वो कितने परसेंटेज पे मिलेगा, 20% पे। यानी 20% इक्वल टू 100 रुपए, यही मैं बोल रहा हूं। और आपको चाहिए कितना साहब, 100 रुपए का बराबर का वैल्यू चाहिए। मेरे ख्याल 100-100 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो 100-100 हट जाए। अरे क्वेश्चन ही हट गया, चलो इसको दूसरे तरीके से हटाते हैं। फिर एग्जांपल देखना, 12% डिबेंचर 1000 है एट द रेट 100 ईच। कौन बच्चा मुझे इंटरेस्ट निकाल के बताएगा, देखते हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। डिबेंचर सुबह भी हो रहा है, इंटरेस्ट भी निकालना सिखाया है, इंटरेस्ट बताओ क्या निकलेगा। सब ऐसे सोच रहे हैं, नया चैप्टर करवा दिया भाई। 12000 है भैया, सिंपल सी बात है, 10 1000 × 100, 1 लाख, 1 लाख पे 12%। अब मैंने कहा कि आपको मैं 24%, अरे ये बच्चे ट्राई करते रहते हैं कि इससे होता क्या है हैंड रेज। आप एक बार कमेंट में डाल दीजिए, सबने बता दिया 12000 इंटरेस्ट। अब मैंने कहा कि आपको 24% ब्याज हो और 24% ब्याज वाले आपको डिबेंचर देंगे हम, क्या देंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट ना जितना पहले था उतना ही मिलेगा। यानी आपका अभी भी जो इंटरेस्ट होगा ना वो 12000 ही रहेगा। तो आपको बताना है कि कितने डिबेंचर खरीदो जो कि आपका 12000 ही इंटरेस्ट बन जाए। 500 यानी 6000 डिबेंचर खरीद लेंगे, 500 खरीदते हैं तो 50000, और 50000 पे 24% फिर से क्या बन जाएगा, 12000। यानी आपने कहा सर 500 डिबेंचर खरीद लो, 100 रुपए का एक डिबेंचर और बनता है आपका 50000, इस पे 24% जब आप निकालोगे तो इक्वल टू कितने बनेंगे। ये तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपने देखते ही झट से जवाब दे दिया। लेकिन यहां पे ये कहानी नहीं है ना, देखते ही नहीं आएगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे किया गया वो समझिए। मैथमेटिकल फॉर्म में किया गया कि भैया 12000 रुपए का ब्याज था, 12000 का ब्याज था और ये था इक्वल टू कितने परसेंट हमारा, मतलब पहले 12000 ब्याज था, अब ये 12000 ब्याज कह रहा हूं कि अब इसके हिसाब से मिलेगा तो ये 24% होगा, दैट इज 0.24। और आपको एंटायर फेस वैल्यू पता चल जाए, अगर मैं बोल दूं कि 50000 रुपए का डिबेंचर होगा तो नंबर तो निकाल ही लोगे 100 से डिवाइड करके। मैंने कहा डिबेंचर का वैल्यू था 100, यानी 100 रुपए पे 0.25 करा तो आप देखोगे यहां पे वैल्यू निकल के आएगा। करके देखिए क्या यही आ रहा है। ज्यादा आ गया, अच्छा हाँ नहीं, पॉइंट लगाने के बाद ज्यादा हो गया ना। 24 करते हैं मतलब परसेंटेज को। अब ये एक बात और देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, चलिए कर दीजिए अभी कर दीजिए, चलिए अब आ गया ठीक है 50000। अब 50000 है तो इसका मतलब सर 50000 डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 100 करोगे तो आप मुझे बता पाओगे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं। समझ में आएगा, ऐसे ही मैथमेटिकल फॉर्म में कर सकते हैं। सेम सवाल ये कहता है कि भैया पहले तुम्हारे पास ये डिबेंचर थे जिसके ऊपर आपको ये था, तो आपको निकालना पड़ेगा पहला पॉइंट क्या, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कमाते थे। तो 225000 पे 9% कितना बनता है, 225000 रुपए पे, नहीं दो नहीं 22,50,000 पे 9%, 2,50,000
सर इतना ब्याज पहले आप कमाया करते थे, नाउ आपको 15% डिबेंचर दिया जाएगा और बोलते हैं ब्याज उतना ही रहेगा। कहां बोल रहा है सर ये? कहता है सच नंबर 15%। लास्ट में कहता है मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब जो पहले ब्याज था वो ही अभी मिलेगा आपको। तो वेरी सिंपल बात भैया, ब्याज आपके तो 2 लाख यही रहेंगे, लेकिन रेट क्या हो जाएगा? 15। डिबेंचर कितने का था? 100। मतलब रेट को फ्लिक कर दिया तो ओवरऑल अमाउंट आ जाता है। से जब हम रेट को रिवर्स कर देते हैं तो अमाउंट आ जाता है। क्या आया अमाउंट निकल? 13,50,000। ये आ गया रुपीस। उसने बोला भैया रुपीस मत बताइए, प्लीज मुझे नंबर बता दीजिए। तो नंबर क्या आ जाएगा? 100 से डिवाइड कर देंगे तो 13,500 नंबर आ गए। ये क्वेश्चंस पूछा गया था आपका पिछले साल प्रोग्राम में ही पूछा गया था। आई थिंक रिकंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट डाल दिया था, एक नंबर का एक पॉइंट उसमें, क्योंकि पेपर ऐसा आया था 10 पॉइंट था, 10 नंबर का था, एक पॉइंट एक नंबर का ही होगा। पहले देखो ये समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात कही गई है, इसको आप समझेंगे। मैंने पूरा एग्जांपल लेके समझाया, ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अपने एग्जांपल लिए, क्लियर है सर? 20-2500 कैसे आया? 20-2500 कैसे आया? देखिए मैंने बताया था अभी 22,50,000 पे गुणा में 9/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू यही निकल के आएगा ब्याज। क्लियर? हाँ जी भाई साहब, क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और रिपीट आप एक बार देखिएगा। अब मैं एक बार कंक्लूड कर दूं इसको। जब ऐसा सवाल हो जहां पे आपको एक कंपनी का डिबेंचर गिवन हो और डिबेंचर के साथ उसका इंटरेस्ट रेट गिवन हो इंटरेस्ट, और दूसरी कंपनी कहता है कि मैं आपको इंटरेस्ट का रेट बढ़ाऊंगा लेकिन इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालिए। तो उस केस में क्या करेंगे? जो पुरानी कंपनी का इंटरेस्ट था वही ले लेंगे और डिवाइडेड बाई कर देंगे नई कंपनी का इंटरेस्ट रेट और इंटू में 100। तो आ क्या जाएगा हमारा ओवरऑल और अमाउंट ऑफ डिबेंचर जो नई कंपनी के अंदर मिलने वाला है, और उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ, यहां क्या निकाला था, अमाउंट ऑफ डिबेंचर, ये रुपीस आया था। उसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 100 रुपए का एक था, यहां कह रहा था ना कहां गया 100 रुपए का एक, 100 से 10 रुपए का कहता तो वो अलग आ जाता। ठीक है, चलिए एक और सवाल। हम बायर की एंट्री सीख लेते हैं पहले। आपको समझना होगा जर्नल एंट्री कैसे बनता है, और जनरल एंट्री तो आप इतने समय से करते आए हो ना जिसकी कोई हद नहीं है। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो कहते थे कि भाई जनरल एंट्री आनी बहुत जरूरी है, लेकिन 11वीं क्लास में मुझे नहीं महसूस हुआ कि जनरल एंट्री वाक्य में आनी जरूरी है। मतलब बिना जनरल एंट्री के भी बच्चे पास हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे चैप्टर बिना जनरल एंट्री वाले भी हैं। लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ोगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनेगा, और बैलेंस शीट के बाद भी बहुत सारी बातें हो जाती है। अब हम जो काम कर रहे हैं वो बैलेंस शीट बनने के बाद की सारी कहानी कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना भी बहुत आसान है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए कॉन्सेप्ट को एक बार बिल्डअप करते हैं, क्या क्या हो सकता है। साहब ये है हमारा एक कंपनी, ये है एक कंपनी। मैं अपने ही एग्जांपल लूंगा, आप फटाफट बताइएगा। ये सर बायर कंपनी, ये सर सेलर कंपनी,
अब सीधी सी बात है, हम बायर कंपनी की बात करेंगे, बुक्स ऑफ बायर। बुक्स ऑफ बायर मतलब ये जब इस कंपनी को खरीदेगा तो ट्रांजेक्शन तो हुआ ही है, और अकाउंट कहता है ट्रांजेक्शन हुआ तो जर्नल होगा। अब जब ये कंपनी खरीदेगा इसको, तो सबसे पहला काम इस कंपनी ने क्या करना है, जब ये कंपनी इस कंपनी को खरीदेगा तो इस कंपनी का पहला काम, भाई तेरी वैल्यूएशन क्या है ये बता दे, और इसका बिजनेस क्या है हमारा, ठीक है। तो हम पहली जो एंट्री करेंगे, मैं थोड़ा सा एक बार हिंट दे देता हूँ फिर बाकी आपसे पूछूंगा। फर्स्ट एंट्री जो करेंगे हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं इसके बिजनेस को खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए अब एसेट्स बनेगा ना ये, तो मैं एंट्री करूंगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। मैं यहां पे एस जो सेलर कंपनी लिमिटेड भी कर सकता हूं, और टू मुझे इसे पैसे देने हैं तो इसको पता है क्या क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वेंडर, और वेंडर को पैसा मैं नहीं दूंगा, मेरा अकाउंटेंट देगा, मेरा एडवोकेट देगा, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा। तो जो इस कंपनी को, क्योंकि इससे डील कौन करेगा, इसका जो बैंड, इस कंपनी को जो बंद कर रहा होगा, जो इस कंपनी को बंद कर रहा होगा वो एक चार्टेड अकाउंटेंट होगा या एक वकील होगा, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इसको बंद करेगा ना, जो पर्सन बंद करेगा उसको बोलते हैं लिक्विडेटर, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर, ठीक है ना, यानी जो इस कंपनी को बंद कर रहा होगा व्यक्ति वो होगा लिक्विडेटर, ठीक है ना। तो अब हम बोलेंगे भाई पैसे किसको देने हैं, इसका मालिक कहेगा भाई मेरे को नहीं पता किसको देना है, तू तो मेरे किससे बात कर ले, लिक्विडेटर से। तो यानी मैंने बिजनेस तो खरीदा लेकिन मुझे पैसे देने, अब मालिक को पैसा लेगा क्या, अभी बोलेगा मालिक मुझे समझ में नहीं आता, जो बंद कर रहा है वो ज्यादा नॉलेज जानकार है, तो बोला भैया मुझसे नहीं तू उससे बात कर। तो मैंने एक एंट्री कर लिया परचेज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, मेरे लिए एसेट है, और भैया तेरे को पैसे देने हैं, तू तो लेगा नहीं, तो मैं कर दूंगा टू लिक्विडेटर अकाउंट, टू लिक्विडेटर अकाउंट अकाउंट। तो ये एंट्री क्या हो गया, इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इस एंट्री का मतलब होगा कि कंपनी को कितना पैसा देना वो ड्यू, यानी लिक्विडेटर अमाउंट, लिक्विडेटर अमाउंट ड्यू, लिक्विडेटर का पैसा ड्यू कर दिया। और पहले ना ऑनर्स का जो सेकंड सेमेस्टर हुआ करता था पहले, अब तो नए भी आ गए, तो उसके अंदर तो एक चैप्टर ही था लिक्विडेशन का, लिक्विडेटर वाला पूरा चैप्टर ही था उसमें। तो पहले पहली एंट्री समझिए, एंट्री को समझना है आपको, अगर आप रटोगे कि ऐसे ऐसे होगा तो एग्जाम में सब खत्म। पहली एंट्री क्या करा आपने, मैं बायर की बुक में कर रहा हूं, तो बायर क्या करेगा, उसके सारे बिजनेस को खरीदेगा, तो बिजनेस अकाउंट डेबिट, और भैया खरीदने का मतलब पैसा देता तो टू बैंक कर देता ना, अभी पैसा नहीं देंगे, पहले तय तो कर ले। तो ये एंट्री किससे हुआ है बेसिकली देखा जाए तो, किस अमाउंट से हुआ है ये एंट्री, तो ये एंट्री होगा यही होगा, क्योंकि भाई तेरे को कितने पैसे देने वही तो पीसी होता है, समझ में आया ये एंट्री। अब क्या करेंगे भाई, अब तेरे को लाइबिलिटी बना लिया, अब तेरे सारे एसेट्स को ले लेते हैं और तेरी सारी लाइबिलिटी को ले लेते हैं, क्योंकि ये एंट्री कंपनी के बाद तू बिक गया, अब तेरा कुछ भी नहीं रहा, अब तेरे पास जो भी एसेट्स है वो सब मेरे, अब मेरे तभी होंगे ना जब मैं जर्नल एंट्री करूंगा। तो मैं जर्नल एंट्री करूंगा क्या, इस कंपनी के सारे एसेट्स, मैं जर्नल एंट्री करूंगा ऑल एसेट्स, अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी अकाउंट, और टू परचेज कंसिडरेशन पीसी, टू परचेज कंसिडरेशन पीसी। लेट सपोज एग्जाम्पल इसके पास एसेट 10 लाख के हैं, लाइबिलिटी 3 लाख के हैं, और पीसी डिसाइड किया मैंने 5 लाख। दूसरा एग्जाम्पल ले लो सर, एसेट्स 10 लाख के हैं, लाइबिलिटी 8 लाख के हैं, और पीसी सपोज करो 5 लाख, यही दो कहानी हो सकती है,
कि भैया तेरे एसेट्स, तो अगर मैं यहां पे दोनों चीजें करके दिखाऊंगा, मैं करके मिटा दूंगा, चलो अगर एसेट्स इसके 10 लाख के हैं और लाइबिलिटी इसके कितने के हैं, 3 लाख के, और पीसी कितने के हैं, तो भाई साहब मैच तो होगा नहीं, मैच तो हुआ ही नहीं ना। तो ऐसे सिचुएशन में देखोगे डिफरेंस कहां निकलता है। अगर डिफरेंस निकल रहा हो कहां, क्रेडिट में, तो इसका मतलब है कि भाई तेरे एसेट्स थे 10 लाख के, लाइबिलिटी थे 3 लाख के, 7 लाख तो फिर भी कमा लूंगा, और तेरे को 5 ही दे रहा हूं, तो 2 का तो मेरा फायदा हो गया, तो 2 का फायदा होगा तो मैं भेज दूंगा कैपिटल, ये एंट्री जाना पहचाना है, 12वीं क्लास में सिखा दिया जाता है आपको ये, अगर आपने सही से पढ़ाई करी है 12वीं क्लास में, तो अदर देन कैश में ये आता है, लेकिन वहां पे बस एक यही एंट्री आता है, इसके आगे की कहानी नहीं बताया जाता कि इसके आगे होगा क्या, बस उसके बिजनेस को खरीद के बोलता है, अब बस चुपचाप इतनी एंट्री करके आनी है आपको, अब आगे बताया जाता है भैया बिजनेस को खरीद लिया था 12वीं क्लास में, उसके आगे की कहानी अब समझाई जाती है आपको। दूसरा आस्पेक्ट क्या लिखा मैंने सर, दूसरा आस्पेक्ट ये हो सकता था कि आपका एसेट्स 10 लाख था और लाइबिलिटी मैंने कर दिया 8 लाख और पीसी है आपका 5 लाख, तो ऐसे सिचुएशन में डिफरेंस कहां निकल रहा है, डेबिट में। अगर इनकेस डेबिट में निकल जाए डिफरेंस, तो उसको मैच करते हैं, गुड बे, समझे। यानी सर पहली एंट्री उसके लिक्विडेटर को कितना पैसा देना है, दूसरी एंट्री उसके सारे एसेट्स को और लाइबिलिटी को एंट्री कर लो। सारे एसेट्स का मतलब है फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना, सारे एसेट्स को मतलब है क्वेश्चन में जो कहेगा, अगर ये बोलता है कि भाई मैं तेरे ये पर्टिकुलर एसेट्स ही लूंगा, तो वही एसेट्स आएंगे, सारे एसेट्स का मतलब है। यानी एडजस्टमेंट में जिस जिस एसेट्स की चर्चा करी गई होगी कि ये लेने के लिए तैयार है, उसी एसेट्स को लिया जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला, तो मान लो कि इसके सारे एसेट्स ले लेंगे एक्सेप्ट वैल्यूलेस एसेट्स, जो कि याद होगा मैंने बताया था आपको, जिस एसेट्स का कोई वैल्यू नहीं होता। लाइबिलिटी का मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी लेंगे सारा, जिसके अंदर शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के बाकी सारा का सारा लाइबिलिटी इसका ले लिया जाए, ठीक है। दो एंट्री, ये एंट्री किसका है, ये एंट्री है एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन करने का, ठीक है साहब। अगली एंट्री, अगली एंट्री ये भी इंतजार कर रहा है, मेरे पैसे तो दो, इसको पैसे तो नहीं दिए। अब परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने का हमने पहले देखा कि भैया तेरे को इक्विटी भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, डिबेंचर भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, बैंक भी दे सकते हैं, सब मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो हम बोलेंगे भाई लिक्विडेटर आ जाओ, तुम्हारा हिसाब किताब बना देते हैं। लिक्विडेटर का हिसाब किताब बनाने के लिए अगली एंट्री क्या होगा सर, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, और भैया क्या क्या दे रहे हैं वो लिख दो, मैंने इक्विटी दिया तो इक्विटी लिख दो, मैंने प्रेफरेंस शेयर दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दो, मैंने कैश दिया तो कैश लिख दो, डिबेंचर यानी जो उसको डिस्चार्ज करने में पेमेंट कर रहे हो वो लिख दिया जाएगा। यहाँ सपोज करो इसका पीसी 5 लाख था, 5 में से 2 लाख कैश दे दिया तो कैश में आ जाएगा 2 लाख, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर दे दिया तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा, बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा, और ये पूरे 5 लाख मिल गए। ये एंट्री क्या कहता है, ये एंट्री कहता है सर पीसी डिस्चार्ज हो गया, बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज, तीनों समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत, एडजस्टमेंट फिक्टिशियस एसेट में भी लेने के लिए बोल सकता है, अगर एडजस्टमेंट में बोलेगा गुनगुन तो लेना ही लेना है। ये यही वाला पीसी यहां आ जाता है, अमाउंट है ये, हाँ जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो देखो ना 5 लाख लिया है, यहां पीसी में भी देखो 5 लाख एग्जांपल से कनेक्ट, मतलब हम तैयार कर लेंगे ना कि भाई तेरे लाइबिलिटी तो ले लिया,
और शेयर होल्डर तुझे इतना देंगे, तो दोनों बराबरी कर देंगे। अभी जो ये एंट्री सीख रहे हैं, ये नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन कह लो, नेचर ऑफ परचेज कह लो, दोनों में से कोई भी है, ये जो सीख रहे हैं हम नेचर ऑफ परचेज है, नेचर ऑफ मर्जर अलग होता है, थोड़ा अलग होता है, होता तो सबसे ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंस का, लास्ट क्लास के अंदर याद होगा एक्सपेंस मैंने बोला बीच में काट दो इसको। अब इसको खर्च करने का लिक्विडेटर बेचारा, लिक्विडेटर बेचारे को पैसे देने हैं। अब ये पहले ही तय हो जाएगा कि इसके पैसे कौन देगा। अगर इसके पैसे ये देता है तो ये बोलेगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तूने दिए मेरी एंट्री खत्म। अगर इसके पैसे कौन देता है, मतलब सेलर कंपनी लिक्विडेटर का पैसा दे दे तेरे, क्योंकि लिक्विडेटर फ्री में काम नहीं करेगा ना, पैसे तो लेगा। अगर यही कंपनी उसके पैसे दे दे तो बोले भाई तेरा काम खत्म, अब एंट्री खत्म हमारी, और कुछ भी नहीं बचा है, बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट बंद। करना क्या था भैया, सारे उसके कितने पैसे देने हैं, सारे एसेट्स लिए और उसके पेमेंट दे दिए, और क्या करेगा बायर, और कुछ थोड़ी दे देगा उसको जाके वो। अब बोलता है कि ना ना भाई ना, इसके पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे। ये इससे डिस्कस करता है कि इसके पैसे तेरे को ही देने पड़ेंगे, यानी बायर को देने पड़ेंगे इसके पैसे। तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि बायर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, जितना बायर ने तो पीसी निकाला ही था भाई, ये इसके अलावा भी, इसके मान लेते हैं 10,000 देने, तो इसके अलावा 10,000 दे रहे हैं। अब बायर तो मुकर सकता है, ना भाई ना, मैं जो दूं उसको पैसे तू दे, नहीं तो मैं तेरी कंपनी नहीं खरीद रहा, वैसे ही तेरी कंपनी घटिया कंपनी है, मैं नहीं खरीदूंगा जा। लेकिन अगर बायर को लगता है कि यार ये कंपनी खरीद लूंगा तो मेरा बड़ा फायदा है, तो वो डील बिगड़ने नहीं देगा, बोलेगा कोई बात नहीं मैं दे दूंगा इसका पैसा। और जब बायर इस स्थिति में होता है कि उसको एक्स्ट्रा पैसा दे दे, जो जो डिमांड मांग ले, तो इसका मतलब इस कंपनी की गुडविल है। तो अगर ये एक्सपेंस का पेमेंट करेगा कौन, बायर, तो उस सिचुएशन में एंट्री करेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए एंट्री को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है, ये इसका मान लिया जाएगा उसने गुडविल के बदले पेमेंट किया है। तो यहां पे क्या है, ये किस चीज की एंट्री है सर, ये एंट्री है लिक्विडेटेड एक्सपेंस पेड करने का, और पेड कौन कर रहा है, बाय। अगर सेलर पेड करता तो बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन समहाउ कई बार ऐसा होता है कि आपका इस एंट्री के अंदर आ रहा है कैपिटल रिजर्व, यानी आपको बोल रहे हो फायदे में खरीदा है, और एक बोल रहे हो हमारा गुडविल भी आ रहा है, तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं, दो चीजें हो सकती है कि मान लो यहां आ गया कैपिटल रिजर्व और बायर को बोला चल ठीक है तेरे खर्चे मैं दे दूंगा, तो यहां आप बोल रहे हो मैंने कमा लिए तेरे से पैसे, तेरे को सस्ते में खरीद लिया, और यहां बोल रहे तेरे को महंगा में खरीद लिया, ऐसे थोड़ी होगा। एक ही बार आदमी को बोल रहे देख तेरे को सस्ता में खरीदा, अभी रुक तेरे को महंगे में खरीदा, ऐसा नहीं हो सकता ना, होगा ऐसा बताओ, नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका इस एंट्री के अंदर कैपिटल रिजर्व आता है तो यहां गुडविल की जगह पे आपको कैपिटल रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा, या एक और एंट्री करना पड़ेगा गुडविल को राइट ऑफ करने का, एक और एंट्री करना पड़ेगा गुडविल को राइट ऑफ करने का, दैट इज आपका कैपिटल रिजर्व टू गुडविल। समझिए बातों को, अगर पहले से यहां गुडविल आ रहा था तब तो बोलेंगे भाई यार तेरे को यहां भी 3,00,000 एक्स्ट्रा दिया और वहां भी तेरे को 10,000 एक्स्ट्रा, दो दो गुडविल, यानी मेरी गुडविल हो जाएगी 3,10,000। लेकिन यहां सस्ते में और यहां महंगा तो पॉसिबल नहीं है, तो यहां गुडविल टू बैंक कर दो, लेकिन इस गुडविल को आपको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, और जो पैसा एक्स्ट्रा आपने इससे लिया है कैपिटल रिजर्व टू गुडविल के नाम से। समझे बात, यही 10,000 मैं ले लेता हूं, जितने का उसका था खर्चा, हाँ कैपिटल रिजर्व टू बैंक भी हो जाता है कई बार, सीधी एंट्री गुडविल से गुडविल कैंसिल आओ। समझ रहे हो,
पहली एंट्री क्या था भाई, तेरे को पैसे देने हैं। दूसरी एंट्री, तेरे एसेट्स और लाइबिलिटी ले लिया। तीसरा, आ जा, तेरे को इतने इतने पैसे दे दिए। चौथा, अब तेरे पर्सनल पैसे मैं अगर दूंगा तो एंट्री करेगा, अगर इससे लेगा तो कोई काम नहीं, ये दोनों एंट्री नहीं होगा। बढ़े आगे, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। सर ये एंट्री कब होगा बताओ, ये एंट्री कब होगा? इन केस कैपिटल रिजर्व जनरेट, यानी अगर कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ हो तो। अब भाई कहानी में क्या होता है, कंपनी कोई भी हो सकती है। अब मान लो इसने बोला मैं स्कूल खोलूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं कंपनी बना रहा हूं, स्कूल खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़ी 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 बातें करी, और इसका बहुत अच्छा कनेक्शन है। अब नेताओं से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, नेताओं से बोला मैं स्कूल खोल रहा हूं, नेता ने बोला बड़ी अच्छे काम है, इसको बहुत सारा पैसा दिया एज अ हेल्प, और कल के दिन ये बेच दे कंपनी, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी ना भाई मैंने तेरे को पैसा दिया है, तो तेरे को पैसा दिया है तो उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई तूने कंपनी बेच दिया, मैं इसको तो नहीं जानता, सारे रूल एंड रेगुलेशन मैंने तेरा चेक किया था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू कंपनी अब बेचेगा, ये रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। या तो तू अपनी कंपनी बेच, मुझे कोई एतराज नहीं है, हमारा एक सपना था कि 1000 बच्चों को पढ़ाना है और उसके लिए तुझे 10 लाख रुपए दिए थे, तो यही सपना ये पूरा करेगा मेरा। यानी जब कंपनी बिक रही है तो उस सिचुएशन में इसको फुलफिल करना था गवर्नमेंट की पॉलिसी को, और ये नहीं कर पाया तो जब ये कंपनी बिकेगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि ठीक है भाई मैं पूरा करूंगा। मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया, गवर्नमेंट सब्सिडी पता है किस केस में देती है? एक्सपोर्ट के केस में देती है कि आप इस कंट्री में एक्सपोर्ट करिए, आपको टैक्स फ्री, ये फ्री, इतना पैसा हम देंगे, तो उसको बोला जाता है स्टैच्यूटरी रिजर्व या एक्सपोर्ट रिजर्व कह लो, या एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बन जाता है। यानी इस कंपनी के बैलेंस शीट देखोगे ना, सेलर कंपनी के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक आ रहा होगा एक्सपोर्ट रिजर्व, मान लेते हैं 10 लाख रुपए आ रहा होगा। जैसे देखते हैं अगले क्वेश्चन में है कि नहीं है, नहीं तो ये दिखा देते हैं है कोई, ये देखो मिल गया एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। तो भैया ये किस लिए दिया है तेरे को, तू एक्सपोर्ट कर लेकिन तूने कंपनी बेच दिया, तो मैंने तुझे बेनिफिट दिया था और मुझे लगा था तू एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया में डॉलर आएगा, लेकिन वो तो मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब जिम्मेदारी उस कंपनी की बन जाएगी, सारे पैसे को एक्सपोर्ट में लगाना जो कंपनी खरीद रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सारा रिजर्व हम नहीं लेते, एक ऐसा यही रिजर्व बन गया जो कि बायर कंपनी को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। क्यों लेके चलना पड़ेगा? क्योंकि ये रिजर्व बायर सेलर कंपनी का है ही नहीं, सेलर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में तो है लेकिन इसका पर्पस ही अलग है। तो अब इस एक्सपोर्ट रिजर्व को सेम बायर कंपनी को लेना पड़ेगा, तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री मारनी पड़ती है। यहां पर सर क्या एडजस्टमेंट मारनी पड़ती है? अगर ऐसा कोई एक्सपोर्ट रिजर्व आ जाए तो एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट रिजर्व, और या फिर स्टैच्यूटरी रिजर्व होता है, या फिर क्या होगा स्टैच्यूटरी रिजर्व। ये कौन एंट्री कर रहा है? बायर कर रहा है। बायर एक एसेट्स के साइड ले जाएगा ये, और एक लाइबिलिटी के साइड ये रख लेगा। एसेट्स कहां ले जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में, क्योंकि भैया मैं उसका पैसा ले रहा हूं गवर्नमेंट का, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो भैया पैसा लिया है ना, तो पैसा लिया है तो कैश में नहीं होगा, वो एक एसेट साइड में आ जाएगा। जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट के ना पूरी बैलेंस शीट भी बनाएंगे तब देखेंगे, पहले एंट्री समझते जाइए। समझ में आ रहा है?
अब कई बार ये दोनों कंपनी एक दूसरे कंपनी को कोई खरीदता है ना, तो कब खरीदता है? जब सेम लाइनअप में कंपनी हो, तभी खरीदा जाता है जनरली। अब ऐसा कभी भी नहीं होता जनरली कि आप कर रहे हो, मान रहे थे कपड़े का काम, और आप मोटर बनाने की कंपनी का, मोटर कार बनाने की कंपनी खरीद रहे हो, इसका तो कहीं कनेक्शन ही नहीं है। कपड़े बनाने का काम कर रहे हो, कार की कंपनी खरीद रहे हो, तो आप बिजनेस ही दूसरे में जा रहे हो, इसमें आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप मोटर कार कंपनी बनाते हो, आपकी कंपनी में स्टील लगता है, तो स्टील बनाने की एक कंपनी खरीद लिया जाए, जैसे टाटा ने किया था। टाटा ने सबसे बड़ी कंपनी कोरस को खरीद लिया था इंडिया, इंग्लैंड से। ये 2000 के अंदर खरीदा था इन्होंने, कि टाटा का काम था स्टील बनाना, मोटर कार बनाना, वहां स्टील का कंजम्पशन था। उसने सोचा, यार एक ऐसी कंपनी खरीद लेते हैं जो स्टील बनाएगी, तो जो मैं उस कंपनी से स्टील खरीदता हूं अपने मोटर कार बनाने की, अब मेरी ही कंपनी बना रही होगी तो सस्ता पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है, ये दोनों आपस में सेम गुड्स को ट्रेड करते हैं, ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, यानी कॉमन डेट हो जाता है। आपने सेमेस्टर वन में एक पॉइंट पढ़ा था कॉमन डेट का, तो यहां पे भी कॉमन डेट हो जाता है। और कॉमन डेट होने की वजह से इनके स्टॉक जो होते हैं ना, उसके अंदर प्रॉफिट का हिस्सा जुड़ जाता है आपस में। जब मैंने इस कंपनी को सामान बेचा तो इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, और अगर या इसने इस कंपनी को सामान बेचा तो इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा, और इसने इस कंपनी को सामान बेचा होगा एमआरपी पे, और इसने इस कंपनी को सामान बेचा होगा एमआरपी पे। यानी जब ये कंपनी आपस में मर्ज हो जाएगी तो इसका क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, और इसके खुद के क्लोजिंग स्टॉक को भी इसको कॉस्ट पे, इसके सेलिंग प्राइस क्रेडिटर में इंक्लूड होगा। तो एक हो जाता है हमारा स्टॉक एडजस्टमेंट। तो अभी उस एडजस्टमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं कि एमलगेमेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं जो करेंगे। एक तो ये हो जाता है हमारा पॉइंट कॉमन। दूसरा ये हो सकता है कि हम ये कंपनी इस कंपनी के डिबेंचर को खरीद ले, और बाद में इस कंपनी ने इसी को खरीद लिया, तो भाई अपने डिबेंचर को खुद कैसे खरीद सकते हैं, उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें। बेसिकली पहले ये देखो, बायर की कंपनी की एंट्री, इससे पहले ये एंट्री देखते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर करेंगे, ठीक है ना? एडवांस वाली एंट्री अभी है हमारे पास टाइम, तो हम करेंगे। पहली एंट्री क्या बोलता है? सर सामने वाले के बिजनेस को खरीदो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन। कोई करना चाहता है सेलर कंपनी अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन कर सकता है। तो सिंपल पहले, लेकिन बिजनेस परचेज करना है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन किस अमाउंट से एंट्री किया जाएगा? सर ये परचेज कंसिडरेशन जो निकालना सीखा था वो अमाउंट लिखेंगे। सामने वाली कंपनी के सारे एसेट्स ले लो और सारे लाइबिलिटी ले लो, और परचेज कंसिडरेशन भी लिख दो। अब डिपेंड करता है गुडविल निकले या फिर कैपिटल रिजर्व। अगर एक्सपेंस पेमेंट करने की जिम्मेदारी बायर कंपनी ले ले, तो एक और एंट्री करना पड़ेगा गुडविल के नाम से, गुडविल टू बैंक, या फिर उस एंट्री को खत्म करने के लिए अगर कैपिटल रिजर्व निकला है तो एक राइट ऑफ की एंट्री कर देंगे। अगर सामने वाली कंपनी को खरीदा जा रहा है और उस कंपनी को पहले से कोई ना कोई ग्रांट, कोई सब्सिडरी कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसके लिए वो बना कर रख रहा है, तो वो सब्सिडरी भी हमें लेना पड़ेगा, जिसकी एंट्री करेंगे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, जिस नाम से वहां पे पड़ा हुआ है उसी नाम से लेकर चलेंगे। समझ में आई बात आप? ठीक है,